जॉर्जोपुर पे आ जाओ भाई, भाई को कह रहे थे तो टूट गया सब लोग। सीजन 16 कॉनकरर, जिनका की नाम है जॉन। अब इन भाई ने शुरू में सबको भाई बोला, उसके बाद बोला चूतिया। अब जिंदगी का एक ही मोटो था कि इस बंदे को तो मारना ही है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता हूँ। मेरी वेस्ट डैमेज है, लो हेल्थ है, इसके बाद मैं आगे जाता हूँ उस बंदे की पूरी पेटी बनाने के लिए, और उतनी ही देर में और यहाँ पे एकदम से मेरे ऊपर होता है हमला। तो मैं नाम पढ़ता हूँ जॉन। तो अब ये देखने के बाद गुस्सा बिल्कुल भरा हुआ था, तो वो निकालना ही है, तो फटाफट मैं रिवाइव लेता हूँ गुड्डू से, और गुड्डू की हेल्थ भी ना के बराबर, मेरे पास भी कोई हेल्थ किट नहीं होती, और वो बंदा कौनखर बंदा रश कर चुका है। और यहाँ पे सीजन 16 कॉन्करर जॉन भैया की बेटी बना दी। तो मेरे छड़ी बड़ी दोस्तों, कैसे हो आप सारे? आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे, और आप सभी का स्वागत है पबजी मोबाइल के एक और गेम प्ले में, जिसमें यार ऐसे ऐसे सीन होने वाले हैं जिनको देखने के बाद जो जो मतलब पीटे हैं मेरे से, वो तो हैकर बोल ही रहे होंगे, और आप भी देखने के बाद बोलोगे एक पल के लिए कि भाई कहीं इसके पास एम्बोर्ड तो नहीं है। तो फिलहाल हम बात करें भाई, सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक गेम प्ले, देखना ज़रूर। यहाँ पर हम लोग उतरते हैं जॉर्जो पुल में, और मेरे को मिलती UMP-45। आसपास दो बंदे उतरे थे तो मैं उनको ढूंढ रहा होता हूं, उतनी ही देर में पता चलता है कि वो लोग वेयरहाउस में, और गुड्डू भी कंफर्म कर देता है ऐसा कि हाँ वो वेयरहाउस में ही है। अब देखो मैं करता हूं बम पहले और फिर रश करेंगे। गन है कि नहीं? अब यहाँ पर अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, तो मैं इस बंदे से डर रहा था क्योंकि इसके पास शॉटगन थी, और भाई हर बार मेरे को शॉटगन से डर लगता है क्योंकि मेरे को ऐसी चिपकती है ना कि मैं क्या ही बोलूं, मतलब ऐसा लगता है मैं नूब हूँ। अच्छा वो तो असली में भी हूँ, पर जो भी, इसके बाद मैं इधर आता हूँ क्योंकि गोलियां चल रही थी उतनी देर में। मेरे को ये ऑफलाइन बंदा दिखता है जिसको मैं जैसे ही मारता हूँ तो भाई पूरा मर जाता है ये, मतलब इसका कोई टीममेट नहीं होता। फिर यहाँ आगे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे रिवाइव चल रहा होता है ऐसा मेरे को लग रहा था, क्योंकि फाइट जस्ट यहाँ पे हुई थी। लेकिन ये तो एक अकेला बंदा होता है जिसको कि ड्रॉप शॉट मार के खत्म कर देते, और अब बोल सकते हैं हम लोग कि जॉर्जो पुल खाली हो चुका है पूरी तरीके से। हाँ पता नहीं इन लोग की फाइट हुई, इन लोग ने मार दिया। इसके बाद हम लोग रोजो को आते हैं, मेरे को कुछ बंदे स्पॉट होते हैं तो हम गाड़ी घुमा के वापस आते हैं, और दिखता है बंदा ऊपर भगता हुआ। अब यहाँ पे जो है उस बंदे को मैंने नोक किया, इतना डैमेज दिया गुड्डू ने कि उसकी पेटी बन जाती है, और यहाँ पे गाड़ी हमारी फंस जाती है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ऊपर वाले बंदे को जाके लूटा जाए, और भाई यकीन मानो मतलब ऐसा सीन होने वाला है ना, बस देखो तुम फिर समझ जाओगे। अरे बहन का एक्सीलेंट वर्क, बच गए।
मतलब कोई मेरे को बताएगा? हाँ मेरे को भी दिख रहा है यहाँ पे यार, एक पेटी जैसे ही बनी उस बंदे की तो उसके पास दूसरा टीममेट उसका, मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी भी चूक करता, अगर जंप शॉट नहीं मारता भाई, यहाँ पे मेरे काम डल जाते। पर कोई ना, जैसे तैसे मार दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं वाटर सिटी के स्क्वाड तरफ, जहाँ पे दो फ्लेयर चलाते हैं, लूटने जाता हूँ स्मोक करके। और जिस तरह से यहाँ पे इन बंदों ने हम पे स्प्रे दिया और थोड़ा बहुत डैमेज हुआ मतलब स्मोक के थ्रू, तो मेरे को समझ आ चुका था कि गलती यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी। तो हम चुपचाप से दूसरा ड्रॉप लूटते हैं, सोचता हूँ AWM उठा लूँ उतनी ही देर में। यहाँ पे एक बम फटता है तो मैं सोचता हूँ इतनी क्लोज ये बंदे कैसे आ गए। पर भाई ये जो है दूसरी टीम होती है जो कि वाटर सिटी के अंदर रहती है, जो कि हमला कर देती है। मैं नोक हूँ फिलहाल, रिवाइव हो जाता हूँ। बोट आता है, गुड्डू मारता है उसको और फिर सुनाई देता है कि पहाड़ वाले बंदे रश कर चुके हैं हमारे ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि नेड कुक कर लो, क्योंकि वो बंदे आके रुकेंगे और कुक वाला नेड इनके मुँह पे फेंको। यहाँ पे मैंने जैसा सोचा था वैसा ही होता है, मतलब बंदे नॉक तो नहीं हुए पर लोग काफी ज्यादा हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ। उसके बाद रश करके इन दोनों बंदों की पेटी बना देता हूँ। और भाई यहाँ पे जो जिस बंदे ने मेरे को नॉक किया था वो गायब है, क्या पता इन लोग ने उसको मार दिया या फिर वो भाग चुका है यहाँ से, हमको कोई नहीं मिलता। तो हम लोग चुपचाप से लूट करके जैसे ही निकलने वाले होते हैं, उतनी देर में मेरे को ऊपर इस रिच पे एक बंदा स्पॉट होता है। तो मैं बोलता हूँ गुड्डू को गाड़ी यहीं पे रोको और देखना क्या होता है यहाँ पे। अब ये वाले भाई यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया और उसके टीममेट ने काफी अच्छा कर फायर दिया। तो मेरे को यहाँ पे नहीं पता था कि ये कितने बंदे, तो मैं सबसे पहले नेट वेट फेंक रहा था, क्या पता कोई नॉक हो जाए, पर कोई होता नहीं क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस है, उतनी देर में राइट में फाइट हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ क्या पता AWM से नॉक वॉक निकाल लूँ, पर ऐसा कोई भाई मौका नहीं मिलता, मतलब कोई बंदा आता ही नहीं है थोड़ी देर के लिए, मतलब आता है पर चले जाता है, एम पे नहीं आता। तो मैं काफी देर यहाँ पे रुकने के बाद सोचता हूँ क्यों ना सामने वाले बंदों पे ही रश किया जाए। तो मैं बोलता हूँ गुड्डू को गाड़ी चलाओ तुम, मैं चलाता हूँ, मैं चलाऊंगा यहाँ पे, ग्रोजा। तो कैसा लगा है शॉट, सही सही बताना, कमेंट में जाके अपने जेन्युइन राय दीजिए जाके, है ना। यहाँ पे दो बंदे जो थे इनको तो ग्रोजा से मार दिया और एक बंदा सामने नोक किया। तो मैं सोचता हूँ अभी रश नहीं करते, हील वील करते, थोड़ा लूट करते और फिर से कोई बंदा अगर खोपड़ा दिखाएगा तो उसकी मटकी फोड़ेंगे। अब यहाँ पे यार जैसे ही इस बंदे को मैंने नोक किया तो अब सही मौका था रश करने का। तो मैं बोलता हूँ गुड्डू को कि रश करते हैं, पर इसको सही में बंदूक की लोकेशन नहीं पता। इतनी देर से वहाँ पे लड़ाई हो रही है पर इसको कुछ भी पता नहीं चला कहाँ पे बंदे लड़ रहे हैं। तो ये उल्टी साइड ले जा रहा था, तो मैंने मार्क किया फिर वापस घुमाते पीछे की तरफ। इतनी देर में वो बंदे हो जाते रिवाइव और हमको नहीं पता कितने क्या बंदे, और ये हम गलती कर बैठते हैं यहाँ पे एक छोटी सी। यहाँ पे हो सकता था एक बहुत बड़ा कांड अगर मैं नोक हो जाता तो, पर फिलहाल नहीं हुए नोक। अब यहाँ पे मेरे को पता चल चुका है लेफ्ट में एक बंदा है, सामने कुछ बंदे, तो मैं सामने वाले पहले रश करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा उस लेफ्ट वाले को। और इसी जंप एंड शूट के साथ पूरी की पूरी टीम चली जाती है लोबी में। तो यार ये वाला सीन अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो ना तो बिल्कुल आगे वाला सीन देखो। यहाँ पे हम लोग जा रहे होते हैं गाड़ी से और एक पूरी की पूरी टीम मिलने वाली हमको ओपन में। तो क्या मैं पूरी की पूरी टीम को गाड़ी से ही, चार बंदे मतलब टोटल, तो उनको गाड़ी से ही मार पाऊंगा?
अरे काम डाल के रख दिए है। Excellent work. अरे हैकर हो यार। क्या लगता है आपको कि इस टीम ने मेरे को रिपोर्ट नहीं किया होगा आज हैकर कि भाई चीटिंग कर रहा है ये एम बोट है क्या इसके पास, मतलब चलते गाड़ी में से कैसे मार दे रहा है। पर मेरे को लग रहा है शायद क्या होगा, तो मैं यहाँ पे जो है अपना डांस कर रहा था, मतलब एंजॉय कर रहा था, उतनी ही देर में देखना। अरे गाड़ी काम डल गया इसका तो। ये वाले कबीर सिंह आ रहे थे जो कि पता नहीं कहाँ जा रहे थे, एकदम से गिराया इनको। उसके बाद मैं अपना डांस कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि इन्होंने बाधा ढाल दी थी बीच में। मैं यहाँ पे पूरा डांस कर रहा होता हूँ, गुड्डू यहाँ पे उससे पूछ रहा होता कि बंदे कहाँ हैं तेरे, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल इसकी पेटी बनाता हूँ हेडशॉट मार के। और फिर हम लोग जैसे ही इधर आते तो इस वाली कंपाउंड में पूरी पूरी टीम बैठी क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी है, तो भैया बंदे तो होंगे पूरे भरे हुए। अरे ऊपर है सब, नीचे कोई भी नहीं। सुनो मेरी बात यार, मतलब यहाँ पे मैं करना ये चाह रहा था कि आखिरी वाले बंदे को ग्रोजा से ना मार के एडब्ल्यूएन से मारूं, पर जैसे ही मेरा एम मिस होता है ना तो मेरे को यहाँ पे अपनी पेटी दिख रही थी, पर जैसे तैसे यार पता नहीं कैसे तो मैंने जो है ग्रोजा उसको चिपका दी और इस टीम की पेटी बन गई। तो इस वाले सीन के लिए यार जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद यार आखिरी बंदा बचा है जिसको कि हम ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं शेल्टर में। तो हमको फुटस्टेप आई थी एक्चुअली में, जब हम ऊपर से निकल रहे थे तो काफ़ी देर ढूंढने के मतलब घूमने के बाद एक बंदे की लोकेशन हमको पता चल जाती है, मतलब इसी रूम में सामने की तरफ। और इस वाले बंदे को जैसे ही मारते तो मिल जाता है हमको विनर विनर चिकन डिनर। तो आज का गेम प्ले अगर आपको पसंद आया हो तो पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी करना होता है यार, कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको या फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंस्टाग्राम हैंडल, तो फटाफट से फॉलो वोलो मार लो यार। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और प्लीज़ अपने घरों में रहो क्योंकि कोरोना वापस मतलब गया ही कब था जो वापस आएगा, मतलब अब तो भयंकर तरीके से फैल रहा है। तो बी सेफ, घर को भी सेफ रखो, घर वालों को भी, अगर आप बाहर से कोरोना लेके आ रहे हो तो भाई घर वाले पूरे निपटेंगे साथ ही साथ, तो बिल्कुल बच के रहो, है ना। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, जय श्री महाकाल।